में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं कि जब मैदान पर गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है तो कैसे पहाड़ों पर जाने वाले यात्रियों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। नमस्कार। गर्मी की छुट्टियों को बिताने के लिए लोगों ने प्लानिंग की थी कि ये गर्मियां पहाड़ों पर बिताएंगे, परिवार के साथ खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन पहाड़ों पर लगे इस जाम ने अव्यवस्थाओं का ऐसा अंबार लगाया है कि पूछिए मत। पूरी प्लानिंग की थी, बैग पैक किए थे, मन में इतने प्लान थे कि मसूरी कुल्लू मनाली में मजे करेंगे। लेकिन एक तो जाम है, ऊपर से ना ही होटल में कमरे मिल रहे हैं, खाना पीना तो दूर की बात है। जैसे तैसे ट्रैफिक का रोड़ा पार करके लोग मसूरी और नैनीताल पहुंच रहे हैं, तो दूसरी ओर समस्याएं उनका स्वागत कर रही है। दोनों हिल स्टेशन के होटल और गेस्ट हाउस में इस वक्त एक भी कमरा खाली नहीं है और ऑनलाइन बुकिंग करने वालों से होटल मनमानी फीस वसूल रहे हैं। ऐसे में कई पर्यटक बस स्टैंड में शरण लेने को मजबूर हैं, तो कुछ फुटपाथ में रात काट रहे हैं। होटल्स अभी हमारे पास इतने उपलब्ध नहीं है जिस तरह से यात्री इस बार बढ़े हैं, तो इस पर भविष्य में ध्यान दिया जाएगा और उनको कोई दिक्कत न हो, पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, यातायात उनका सुलभ हो और जो उनके लिए जो सुविधाएं चाहिए वो उस दृष्टि से उसकी प्लानिंग की जाएगी। वर्तमान में जो कुछ इस कम समय में हो सकता है वो सरकार कर रही है। कार मिनी से लेकर बड़ी बसों के जमावड़े के चलते शनिवार को घाटी से पहाड़ी तक लंबा जाम लगा हुआ है। यात्री घंटों से जहां के तहां फंसे हैं। पहाड़ों पर वाहनों के जमावड़े के चलते जाम खुलवाने में प्रशासन के भी पसीने छूट रहे हैं। प्रशासन जाम खुलवाने में सफल नहीं हो पा रहा और जाम की स्थिति ये है कि सुबह से अगली सुबह तक यात्री सड़कों पर ही अपनी गाड़ियों में बैठे रहने को मजबूर हैं। 10 कदम गाड़ी आगे बढ़ती है और फिर से घंटों का जाम लग जाता है। सुबह के निकले यात्री शाम होने तक जोशी मठ को पार नहीं कर पा रहे। चाहे बद्रीनाथ जाने वाला श्रद्धालु हो या हेमकुंड साहिब का यात्री या फिर इन दोनों ही धामों से वापसी करने वाले यात्री, हर कोई घंटों या यूं कहे पूरा दिन चमोली से जोशी मठ तक जाम में फंसने को मजबूर है। जाम भी इतना लंबा कि सुबह से शाम और शाम से अगली सुबह हो गई, लेकिन जाम हटने का नाम ही नहीं ले रहा। उत्तर भारत में गर्मी बढ़ते ही लोग चिलचिलाती गर्मी और उमस से निजात पाने के लिए पहाड़ की ओर रुख करना शुरू कर देते हैं। बढ़ती आबादी और पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण पहाड़ों पर खाने पीने आदि मूलभूत सुविधाओं को लेकर दबाव बढ़ जाता है। इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को ही भुगतना पड़ता है। इस बार भी गर्मी अपने चरम पर है और उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में लोगों का पहाड़ पर जाने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर की बात की जाए तो उत्तराखंड जाना ज्यादा आसान है। उत्तराखंड में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पहाड़ के कई रास्तों पर लगातार जाम की स्थिति बन जाती है और इन शहरों में सैकड़ों गाड़ियां घंटों जाम में फंसने को मजबूर हैं। गढ़वाल में बद्रीनाथ के साथ हेमकुंड यात्रा के दौरान कई बार जाम लग चुका है, तो उसी तरह
गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के पहाड़ी रास्ते में 10-10 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा हुआ है। नैनीताल की बात करें तो इस वीकेंड पर वहां पार्किंग फुल हो जाने से शहर से 8 किलोमीटर पहले ही पर्यटकों की गाड़ियों को अंदर आने पर रोक लगा दी गई। हरिद्वार में भी जाम को लेकर बुरा हाल है। जाम की हालत ये है कि 5 किलोमीटर के सफर में 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय लग रहा है। जाम खत्म कराने के लिए यातायात पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। जाम के कारण स्थानीय लोगों को बुनियादी चीजों के अलावा आवागमन में भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, साथ ही आम जनजीवन भी प्रभावित होता है। खाने पीने की चीजों की मांग बेतहाशा बढ़ जाती है। जाम के कारण गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से यहाँ के पर्यावरण पर भी असर पड़ रहा है। यहाँ सड़कों पर भारी अव्यवस्था है और लोगों को परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।